नमस्कार, आप देख रहे हैं द संदर्भ स्टेशन और मैं टमी बॉय आपसे ये आशा करता हूँ कि आप अपना मुंह बंद रखिए और मेरे फूड रिव्यू चैनल देखते रहिए। हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम संदर्भ है और टमी बॉय, आप मेरे टमी बॉय के नाम से भी जानते हैं। आज हम आए हैं कैफे नॉस्टैल्जिया, ये राजेंद्र नगर पे है, जैसे ब्लड बैंक है ब्लड बैंक के जस्ट पीछे, और हम यहाँ का आज फूड रिव्यू करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा अगर मेरे फूड रिव्यू अच्छा लगे तो। और ये इस प्लेस के बारे में कोई मेरी बहन ने रिकमेंड किया है, द फूडी डेंटिस्ट, मुझे थोड़ा शाउट आउट दे देना कभी कभी। और तो आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ का फूड रिव्यू कैसा। आज हम आए हैं नॉस्टैल्जिया, और नॉस्टैल्जिया में सबसे ज़्यादा फेमस है टर्म्स ऑफ हेवन, जो बेसिकली है इंडो चाइनीज स्टाइल चिकन विंग्स है। और इसमें हम इजी लैंग्वेज में से बोलते हैं चिकन लॉलीपॉप और चिकन तंगड़ी तंगड़ी। तो और हम वो टेस्ट करने वाले हैं, और हमारे साथ जस्सी है, जस्सी ट्राई करेगा वर्जन मूवी तो, और मैं कैपेचिनो वाले इंसान हूँ कॉफ़ी वाला, तो हम कैपेचिनो ट्राई करते हैं। और हमारे लग रहा है हमारा ऑर्डर आ चुका है, भैया वो लेके आ रहे हैं। हाँ, तो आप देखें कि हम कैसा लेते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, कैपेचिनो है मोहितो, थैंक यू सो मच। यहाँ हमारे में दिल बना है, हमारे पास दिल नहीं है पर हम इसमें दिल है। मैं बताना चाहूँगा जो भी आप किसी भी कैफ़े में जाएँ, सबसे पहले उधर की कॉफ़ी चेक करिए, कॉफ़ी सबको जस्टिफाई करती है कि वहाँ कैफ़े स्टाइल कैसा है। और सबसे प्यारा है कि इनकी अगर मैं इनकी प्लेटिंग की बात करूँ तो प्लेटिंग बहुत प्यारी है। अगर टेस्ट की बात करूँ, सबसे पहले मुझे ब्राउन शुगर डाल दिया क्योंकि मैं वाइट शुगर वाला नहीं खाता हूँ, वाइट शुगर में बहुत फैट होता है। आप जब भी कैफ़े आएँ तो हमेशा ब्राउन शुगर लीजिए। अगर आप चीनी ब्राउन शुगर एक पाउच लेना चाहते हैं या दो, मैं दो लेता हूँ। और देन उसके बाद इसको अच्छी तरह से जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसको लेयर चम्मच डालेंगे और फिल्टर करेंगे, हल्का सा घुमाएंगे। हम इसकी टेस्ट करके बताते हैं कि टेस्ट में कैसा है। टेस्ट में बहुत अच्छा है। तो प्राइस की बात की जाए, इट्स जस्ट ₹95, ये 95 रुपीज़ का। और मेरे को लगता है कॉफ़ी किस हिसाब से और उसके साथ बिस्किट हैं, ये बिस्किट 10-10 रुपये के मिलते हैं, यहाँ वैसे महंगे मिलेंगे। ये यहाँ का सबसे फेमस डिश है, ये है ड्रम्स ऑफ हेवन। इन ईजी वर्ड इसे बोले चिकन लॉलीपॉप। ये हमें किसी ने रिकमेंड किया था, वो मेरी बहन है, द फूडी डेंटिस्ट, उसका फूड ब्लॉग चैनल है। और तो हम यहाँ के जो अगर प्लेटिंग के हिसाब से गए तो हम इसको प्लेटिंग ऑफ 5 रेट देने जाएंगे क्योंकि इतना प्यारा प्लेटिंग है। देन उसके बाद हम इसके टेस्ट में जज करना चाहेंगे। टेस्ट में हम बताते हैं आपको, हम ऐसे ही खाते हैं, मोस्टली मैंने बहुत जगह देखा है जो चिकन ओवर कुक्ड होता है, चिकन ओवर कुक्ड होना बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। और चिकन हल्का सा फ्राई होना वो अच्छा लगता है, लिटिल बिट हल्का सा मॉइस्चर रहता है। और चिकन फ्रेश हो, जो भी चिकन फ्रेश होगा उसमें मॉइस्चर आएगा, और ये चिकन बिल्कुल फ्रेश है, इसमें मॉइस्चर आ रहा है। और ये अच्छी तरह कुक्ड है और इसका टेस्ट बहुत प्यारा है। और ड्रम्स ऑफ हेवन ये लिटरली 399 रुपीज़ का, और ये वर्थ इट है। इसमें भी कम से कम 8 या 10 पीसेज है, आप 2 जने या 3 जने आराम से खा सकते हैं। और मैं चाहूँगा सबसे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप ये ज़रूर खाइए। हमारे कैमरा पर्सन है, उसका नाम है जस्सी, कितने पूरा नाम बताइए भाई अपना। जसपिंदर सिंह है, पर आप मुझे जस्सी बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जस्सी आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? मेरी गर्लफ्रेंड्स गिननी पड़ेंगी इस समय। जस्सी को बताना चाहूँगा, ये मेरा जूनियर है और ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, हमारा कम्प्लीट हो चुका है, इनका चल रहा है। जस्सी कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? कॉलेज लाइफ बहुत बेहाल है। कॉलेज कौन जाता है वैसे, ये बताइए। कॉलेज कोई नहीं जाता, कॉलेज की बात नहीं करे तो अच्छा है। आपको लगता है कि क्या लगता है कि हम कॉलेज कभी गए होंगे? मैं आप नहीं, अगर पता लगा कि कुछ है तो बिल्कुल फिर तो जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।